प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो विच असी कंप्यूटर साइंस जमात दसवीं द पार्ट नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम बारे जानकारी हासिल करांगे। इस पार्ट विच असी ये जानांगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है, इस दी कड़े कड़े किस्म हन अते असी अपने कंप्यूटर नूं सुरक्षा किवें मुहैया करवा सकते हैं। जेकर तुसी इन सारे चीज़ों बारे जानना चाहते हो तो इस वीडियो नूं आखिर तक देखना ना भुल्यो। सो आओ असी हुण इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला है साढ़े कोल पार्ट नंबर 6 पार्ट दे उद्देश। सब तो पहला असी इस विच जाणांगे ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा की है, ऑपरेटिंग सिस्टम दीआं कीड़ी कीड़ियां किस्मां हन, डॉस उत्ते विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच की अंतर है, लाइनक्स की है, कंप्यूटर सुरक्षा की है। सब तो पहला साढ़े कोल है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसनों कंट्रोल सिस्टम या सुपरवाइजर सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर विचकार इंटरफेस का काम करता है। जिवें कि तुसी देख पा रहे हो, तो जिवें कि तुसी सज्जे पासे चित्र देख पा रहे हो कि ये यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ही कर रहा, दोवां विच जिहड़ा एक इंटरफेस है ज एक पुल का काम कर रहा है, जिस दे राही ही एक यूजर कंप्यूटर विच वक वक तरह के काम कर पाता है। एक कंप्यूटर विच हर तरह के सॉफ्टवेयर के लागू करने भी कंट्रोल करता है और इस तो बिना कंप्यूटर विच कोई काम करना संभव नहीं होता। डॉस, विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स आदि कुछ आम वरते जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टमां दीआं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सो अगे असी हुण कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा बारे जाणांगे। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के इंटरफेस मुहैया कराउंदा है, जिवें कि तुसी हेठां चित्र विच दो पिक्चर देख पा रहे हो, जिहड़ी तुहानूं ब्लैक ते वाइट चित्र दिख रहा है, इसनूं असी कहिंदे आ करैक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट। इस दे राहीं असी अपने कंप्यूटर दे नाल कमांड दे राहीं गलबात कर सकते हैं। दूसरा साढ़े कोल है सज्जे पासे वाली पिक्चर, इन्हों असी कहने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस तरह के सिस्टम के सानू कमांड देने की जरूरत नहीं पैंदी, असी अपनी स्क्रीन पर जो सानू पिक्चर के रूप में आइकन दिख रहे हैं असी इन्हां ते क्लिक करके अपने जो सिस्टम है उसनों ऑपरेट कर सकते हैं। अगे साढ़े कोल ऑपरेटिंग सिस्टम दीआं की सीमावां हन। सो सब तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमावां है प्रोग्राम नूं लागू करना, इनपुट आउटपुट नाल संबंधित ऑपरेशन नूं कंट्रोल करना, फाइल सिस्टम नाल संबंधित काम करना, संचार नाल संबंधित काम करना, गलतियां नूं लभना, साधनां दा प्रबंध करना, सुरक्षा प्रदान करना आदि। सब तो पहला साढ़े कोल इस दी प्रमुख सेवा है प्रोग्रामां नूं कंट्रोल करना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम तो लैके सिस्टम प्रोग्राम तक कई किस्म दीआं प्रक्रियावां या क्रियावां करदा है, जिन्हां विच प्रिंटर, स्पूलर, नेम सर्वर, फाइल सर्वर आदि शामिल हन। इन्हां सारियां क्रियावां नूं प्रोसैस मन्निया जांदा है। एक प्रोसैस दे लागू होण तों बाद भाव कोड नूं लागू करना, डाटे नूं मैनिपुलेट करना, रजिस्टर करना, वरते जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम लई सिस्टम रिसोर्स उपलब्ध करना आदि हुंदा है। प्रोग्राम प्रबंधन नाल संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम वल्लों कीती जाण वालियां मुख्य जिहड़ी क्रियावां है, जिस विच पहला है एक प्रोग्राम नूं कंप्यूटर मैमरी विच लोड करना, प्रोग्राम नूं लागू करना, प्रोग्राम दे लागू होण दी क्रिया नूं कंट्रोल करना, प्रोसैस सिंक्रोनाइजेशन लई योग प्रणाली मुहैया करवाउणा, प्रोसैस दे संचार लई योग प्रणाली मुहैया करवाउणा, ते लास्ट साडे कोल डेडलॉक हैंडलिंग लई योग प्रणाली मुहैया करवाउणा। तो ये सारे जिहड़े प्रोसैस आ ये ऑपरेटिंग सिस्टम राहीं कीते जांदे हन। अगे साढ़े कोल ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी सेवा आ इनपुट आउटपुट नाल संबंधित ऑपरेशनां नूं कंट्रोल करना। सो एक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम विच इनपुट आउटपुट अते इन्हां नाल संबंधित सॉफ्टवेयर हुंदे हन जिन्हां नूं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तों छुपा के रखदा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर अते डिवाइस ड्राइवर दे विचकार संचार करन दा प्रबंध करदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत पैण ते किसी इनपुट आउटपुट यंत्र ते पहुँच करन दी प्रवानगी भी दिंदा है। तीसरा साढ़े कोल ऑपरेटिंग सिस्टम दी सेवावां है फाइल सिस्टम नाल संबंधित काम करना।
सो फाइल सिस्टम विच वख-वख तरह के फाइल ऑपरेशन जिमें कि कॉपी करना, कट करना, डिलीट करना, मूव करना दी प्रवानगी भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिंदा है। एक फाइल सिस्टम नूं आसानी नाल वरतन अते नैविगेट करन लई डायरैक्टरी विच रख्या जांदा है अते इन्हां डायरैक्टरी विच फाइलां अते होर डायरैक्टरियां भी हो सकदियां हन। फाइल सिस्टम दे संबंध विच ऑपरेटिंग सिस्टम वल्लों कीतियां जांदियां जिहड़ियां मुख क्रियावां है, जिस विच साडे कोल पहली है किसी फाइल नूं लिखण या पढ़न लई प्रोग्राम उपलब्ध करवाउणा, किसी प्रोग्राम या फाइल नूं किसी प्रोग्राम नूं फाइल उत्ते काम करन लई रीड ओनली, रीड राइट या डिनाई करना आदि भी आग्या देना। तीसरा है किसी यूजर नूं फाइल क्रिएट या डिलीट करन या दा इंटरफेस मुहैया करवाउणा। तो लास्ट साडे कोल फाइलों का बैकअप लैण लई इंटरफेस मुहैया करवाउणा। तो ये सारे जिहड़े काम है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम दे नाल संबंधित करदा है। उस तो बाद साडे कोल चौथा पॉइंट है संचार नाल संबंधित काम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दीयां क्रियावां विचकार संचार का प्रबंध करता है और एक तो ज़्यादा प्रोसैस एक दूजे नाल सूचना का आदान प्रदान करन लई नैटवर्क विच उपलब्ध संचार लाइनां की वरतों करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां संचार नाल संबंधित जिहड़े मुख क्रियावां ने, जिस विच साडे कोल पहली क्रिया है दो प्रोसैसां नूं उहनां दे विचकार ट्रांसफर होने वाले डाटा नूं उपलब्ध करवाना। प्रोसैस जो कि एक कंप्यूटर ते जे एक कंप्यूटर ते जां वक्खो वक्खरे कंप्यूटर ते हो सकते हैं, ये कंप्यूटर नैटवर्क राही आपस में जुड़े रहिंदे हन। इन्हां विचकार संचार शेयर मैमरी या मैसेज पासिंग वर्गे दो तरीकों राही हो सकता है। अगे साडे कोल पंजवां ऑपरेटिंग सिस्टम की पंजवीं सेवा है गलतियां नूं लभना। सो गलतियां किसी भी समय अते किसी भी थां ते हो सकदियां हन। सीपीयू इनपुट यंत्र या कंप्यूटर हार्डवेयर मैमरी विच कोई गलती हो सकती है। सो गलतियां नूं लभण दे संबंध विच ऑपरेटिंग सिस्टम राही कीतियां जांदियां जिहड़ियां मुख क्रियावां ने, जिस विच साडे कोल पहली है ऑपरेटिंग सिस्टम संभव गलतियां नूं लगातार चैक करदा रहिंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सही अते लगातार कंप्यूटिंग करन लई लोड़ींदी कार्रवाई भी करदा है। अगे साडे कोल छेवीं सेवावां है साधना का प्रबंधन करना। सो मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग वातावरण में उपलब्ध रिसोर्स जिमें कि मुख्य मैमरी, सीपीयू साइकल अते फाइल स्टोरेज आदि नूं हरेक यूजर विच वंडिया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के संबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम वालों कीतियां जांदियां मुख्य क्रियावां विच जिहड़ी पहली क्रिया है वह साडे कोल ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर किस्म के प्रोसैस का प्रबंध शड्यूलिंग एलगोरिथम की वरतों नाल करता है। सीपीयू की वधिया वरतों लई सीपीयू शड्यूलिंग एलगोरिथम भी वरत्या जाता है। अगे साडे कोल सतवां पॉइंट है सुरक्षा प्रदान करना। सो एक कंप्यूटर सिस्टम जिसके एक तो वध यूजर होन ते इक्को समय विच एक तो ज़्यादा प्रोसैस चल रहे होन नूं ध्यान विच रखते हुए इन्हां प्रोसैस नूं एक दूजे की क्रियावां तो सुरक्षित रखना जरूरी हुंदा है। तो सुरक्षा प्रदान करन तो भाव इत्थे ये है कि एक कंप्यूटर यूजर नूं अजिहा माहौल मुहैया करवाउण तो है जो कंप्यूटर सिस्टम राहीं प्रभाषित किए गए रिसोर्स प्रोसैस अते प्रोग्राम की पहुँच नूं नियंत्रण या कंट्रोल कर सके। तो सुरक्षा के संबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम राहीं कीतियां जांदियां जिहड़ियां मुख्य क्रियावां विच जिहड़ी पहली क्रिया है वह है ये यकीनी बनाउंदा है कि सिस्टम रिसोर्सां ते पहुँच नियंत्रण या कंट्रोल विच है। ये भी यकीनी बनाता है कि सारे बाहरी इनपुट आउटपुट यंत्र अवैध पहुँच की कोशिश करने तो सुरक्षित हैं। तीसरा है ये हर यूजर नूं प्रमाणित करने लिए पासवर्ड की विशेष सहूलत भी मुहैया करवाता है। अगे साडे कोल है ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां वख-वख किहड़ियां किस्मां ने। सो पहली साडे कोल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पंजवां है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सब तो पहला असीं जाणांगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर दे नाल सीधे तौर पर इंटरैक्ट या गलबात नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम विच इक्को तरह के कामों का एक बैच या समूह बना दिता जाता है, फिर इस बैच नूं पंच कार्ड विच स्टोर कर दिता जाता है
ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ CPU ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ CPU ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ CPU ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ CPU ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ 6 ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ CPU ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CPU ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਈਟ ਨੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ CPU ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰ 2003, ਲਾਇਨੈਕਸ, ਯੂਨਿਕਸ, ਮੈਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰ 2008, ਨੋਵਲ ਨੈਟਵੇਅਰ,
BSD आदि इस दियां कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अगे साढ़े कोल पंजवीं दी किस्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ओ ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा है जिस विच दित्ते गए समय विच काम नूं पूरा किया जाता है। यह बहुत ही तेज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस विच समा बहुत घट हुंदा है। इस सिस्टम राही इनपुट लैण अते अपडेटेड सूचना नूं प्रदर्शित करन लई जो समा लगता है उसनूं रिस्पोंस टाइम कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वरतों उस समय होंदी है जदों डाटे दे फ्लो या प्रोसैसर दे ऑपरेशन विच लगन वाला समा ना बदलन योग होवे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वरतों विज्ञानिक तजर्बे मैडिकल इमेजिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हथियार सिस्टम रोबोट अते एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आदि विच कीती जाती है। सो अगे साढ़े कोल अगला टॉपिक है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का एक प्रोडक्ट है जो साल 1981 जारी किया गया सी अते हुन विंडो का यह अहम इस हिस्सा बन गया है। डॉस एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विचकार इंटरफेस या गलबात का काम करता है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वरतों माइक्रो कंप्यूटर विच कीती जाती है। डॉस की कमांड की ज़्यादातर वरतों हार्ड डिस्क के नाल संबंधित कामों नूं करवाउण लई कीती जाती है। डॉस की वरतों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहला कीती जाती सी। सो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नूं वरतण दे लई सब तो पहला स्टार्ट बटन ते जाओ उत्थे रन कमांड ते क्लिक करो। फिर उस तो बाद CMD टाइप करो तो कमांड प्रॉम्प्ट जी विंडो है वो तुहाडी स्क्रीन ते खुल जाएगी। अगे साडे कोल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वांग विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का एक प्रोडक्ट है जो साल 1985 में जारी किया गया सी अते 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कि डॉस 5.0 ते चलता सी। विंडो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विचकार इंटरफेस या गलबात का काम करता है। एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वरतों माइक्रो कंप्यूटर विच कीती जाती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ खास वर्जन ने विंडो 98 विंडो 2000 प्रोफेसनल विंडो XP विंडो विस्टा विंडो 7 विंडो 8.1 विंडो 10 आदि। हुण अगे असी डॉस अते विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के विचकार जो अंतर है उस बारे जान लैने। सो पहला पॉइंट है डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि विंडो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा पॉइंट है डॉस सिंगल टास्किंग नूं सपोर्ट करता है जबकि विंडो मल्टी टास्किंग कमां नूं सपोर्ट करता है। तीसरा है इस विच टाइम शेयरिंग नहीं होंदी जबकि विंडो विच टाइम शेयरिंग होंदी है। चौथा पॉइंट है डॉस विच कीबोर्ड की वरतों ही होंदी है जबकि विंडोज़ विच स्टैंडर्ड इनपुट यंत्र कीबोर्ड अते माउस दोनों की वरतों की जाती है। पंजवा पॉइंट है डॉस करैक्टर यूजर इंटरफेस मुहैया कराता है जिस करके इसनों वरतना औखा होंदा है जबकि विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मुहैया करवाता है जिस करके इसनों वरतना आसान होंदा है। छेवा पॉइंट है विंडोज़ विच मैमरी की खपत घट होंदी है जबकि विंडोज़ विच मैमरी की खपत ज़्यादा होंदी है क्योंकि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मुहैया करवाता है। अगे सतवां पॉइंट है डॉस दियां मुख्य उदाहरणां हन डॉस 360 IBM 360 डॉस 11 TRS डॉस ते MS डॉस दियां कुछ मुख्य उदाहरणां हन जबकि विंडोज़ दियां मुख्य उदाहरणां हन विंडो 95 विंडो 98 विंडो NT विंडो 2000 विंडो XP विंडो विस्टा विंडो 7 विंडो 8 विंडो 8.1 विंडो 10। अगे साडे कोल है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मशहूर वर्जन है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अते इसका सोर्स कोड भी मुफ्त उपलब्ध होंदा है।
लाइनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पहला वर्जन 0.11 जो कि 1991 रिलीज किया गया सी। लाइनक्स का ग्राफिकल इंटरफेस एक्स विंडो सिस्टम उपर आधारित हुंदा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जटिलता नू देखते हुए ही लाइनक्स नू डिजाइन किया गया सी अते इस दे काम करन दा तरीका भी यूनिक्स वांग ही है। अगे साडे कोल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दीआं कुछ मुख्य विशेषतावां ने, पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, शेल, सुरक्षा आदि। सो अगे असीं हुण कंप्यूटर सुरक्षा बारे जाणांगे। कंप्यूटर सुरक्षा एक अजिही तकनीक है जो कि साडे कंप्यूटर ते अनअधिकारत वरतों नूं चैक करदी है अते उसनूं रोकदी है। साडे कंप्यूटर नूं किसी भी अनअधिकारत यूजर जिसनूं असीं हैकर कह सकते हैं वालों पहुँच करन तो रोकण लई रोकथम दे मापदंड दी वरतों कीती जांदी है। अजे किसी वालों साडे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच करन दी कोशिश तां नहीं कीती गई, जेकर कीती गई है तो उहने की कीता इसनूं डिटेक्शन विधि राहीं भी पता किया जा सकता है। सो अनअधिकारित व्यक्ति या हैकर दा मुख्य टीचा साडी ईमेल नूं पढ़ना, साडे कंप्यूटर नूं कंट्रोल करके इस दी वरतों किसी दूजे कंप्यूटर नूं कंट्रोल करके वरतन, साडे कंप्यूटर तों किसी होर नूं झूठियां ईमेल भेजन, साडे कंप्यूटर विच स्टोर साडी निजी जानकारी दी पड़ताल करन आदि लई करदे हन। इस तों अलावा अनअधिकारित व्यक्ति जिसनूं असीं हैकर भी कहिंदे आ साडे कंप्यूटर ते कंट्रोल करन तों बाद ओह अपनी असल लोकेशन नूं छुपाउण दे योग होण तों बाद ओह सरकारी या विधि सिस्टम वाले उच्च प्रोफाइल वाले कंप्यूटर ते अटैक भी करदे हन। सो कंप्यूटर सुरक्षा धमकियां तों बचाव दे टिप्स, जां असीं अपने कंप्यूटर सुरक्षा धमकियां तों किवें बचा कर सकदे हां, सब तों पहलां साडे कोल इहदा ऑप्शन है नवीनतम एंटी वायरस। सो एंटी वायरस ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। सो बाजार विच कई तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिन्हां विच पहला साडे कोल नॉर्टन एंटीवायरस, दूसरा अवीरा एंटीवायरस, तीसरा क्विकहेयर एंटीवायरस, चौथा अवास्ट एंटीवायरस आदि। अगे साडे कोल इसकी दूसरी किस्म एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। सो इंटरनेट सुरक्षा खतरियां तों सुरक्षित रहने लई एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की वरतों भी की जाती है। स्पाईवेयर प्रोग्राम वायरस तो अलग होंगे हैं क्योंकि ये वायरस वांग साडे कंप्यूटर में पाए डाटे या सिस्टम को खराब नहीं करते बल्कि ये साडे कंप्यूटर सिस्टम में किसी डाउनलोड की फाइल के नाल अटैच या जुड़े हुए होंगे हैं और जो असी उस फाइल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हाँ तो ये भी अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं और साडे कंप्यूटर में स्टोर पासवर्ड, क्रैडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर अपने मालक नूं भेजदे रहिंदे हन। सो इसलिए सानू अपने कंप्यूटर सिस्टम विच स्पाईवेयर प्रोग्राम नूं लभण अते रोकण लई नवीनतम एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की लोड़ पैंदी है। तीसरी साडे कोल दी किस्म है पासवर्ड प्रोटैक्शन। सो पासवर्ड कई तरह के ऑनलाइन खातियां का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये ऑनलाइन खातियां ते पहुँच करन अते खाते नाल जुड़ी कई गतिविधियां जिवें कि ऑनलाइन खरीदारी, ईमेल, ऑनलाइन लेन देन करन दी सुविधा मुहैया करदे हन। इस करके पासवर्ड नूं सुरक्षित रखण लई हेठ लिखियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है। जिस विच साडे कोल पहला है वक्खो वक्खरे खात्यां लई इक ही तरह दे पासवर्ड नूं ना रखो। पासवर्ड अपना निजी मोबाइल नंबर या जन्म तरीक कदी भी ना रखो। पासवर्ड हमेशा अक्खर, नंबर अते विशेष चिन्ह नूं मिला के रखना चाहीदा है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਚ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਫਾਇਰਵਾਲ। ਸੋ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ, ਦੋ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ, ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੈਲ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੇ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਰਨਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ, ਲਿਸਟ, ਹਰੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਰੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਾਈਮ, ਐਕਸੈਸ ਟਾਈਮ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਸਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ
सिस्टम। तो इसका साढ़े को सही उत्तर है नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच सर्वर नूं वक्री लोकेशन तो रिमोट करना रिमोट एक्सैस करना संभव हुंदा है। अगे साढ़े को खाली समा भरो, पहली साढ़े को एक डैश संबंधित डैश के कट नूं प्रदर्शित करती है। साढ़े को सही उत्तर है एक फाइल संबंधित जानकारी के कट नूं प्रदर्शित करती है। दूसरी साढ़े को खाली समा डैश सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम डैश एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर नूं सर्व करने वास्ते मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर की वरतों करता है। तो साढ़े को सही उत्तर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम सेंट्रल एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर सर्व करने वास्ते मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर की वरतों करता है। तीसरी खाली समय डैश अपने सिस्टम अनधिकारित वरतों की पड़ताल रोकने की प्रक्रिया है। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी अपने सिस्टम अनधिकारित वरतों की पड़ताल रोकने की प्रक्रिया है। अगर साढ़े को चौथी खाली थान डैश ऑनलाइन खातों से पहुँच करन अते खाते नाल जुड़ी कई गतिविधियां जिवें खरीदारी ईमेल अते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करन दी सुविधा मुहैया करते हैं। तो इसका साढ़े को सही उत्तर है पासवर्ड। पासवर्ड ऑनलाइन खातों से पहुँच करन अते खाते नाल जुड़ी कई गतिविधियां जिवें कि खरीदारी ईमेल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करन दी सुविधा मुहैया करवाते हैं। पंजवीं साढ़े को खाली थान डैश सिस्टम की वरतों उस समय होंगी है जो डाटे के फ्लो या प्रोसैसर के ऑपरेशन लगन वाला समा जटिल हो। तो साढ़े को सही उत्तर है रियल टाइम सिस्टम की वरतों उस समय होंगी है जो डाटे के फ्लो या प्रोसैसर के ऑपरेशन लगन वाला समा जटिल या गुंझलदार हो। अगे साढ़े को सही गलत दसो, पहला एक सिस्टम राही इनपुट लैन और लोड़ी अपडेटेड सूचना डिस्प्ले कर जो समा लगता है उसनों रिस्पोंस टाइम किया जाता है सही। दूसरा है इंटरनेट सुरक्षा धमकियों तो बचने लिए केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इकला ही काफ़ी होंदा है, गलत। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डिवाइस ड्राइवर विचकार संचार नूं मैनेज नहीं कर सकता, गलत। लाइनक्स सोर्स कोड मुफ्त उपलब्ध है और यह संस्था आधारित डिवेलपमेंट आधारित प्रोजेक्ट है, सही। पंजवा है ऑपरेटिंग सिस्टम शड्यूलर की वरतों करके हर किस्म के रिसोर्सा मैनेज करता है, सही। अगे साढ़े को पहला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर विचकार इंटरफेस में ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है। दूसरा प्रश्न है जो खास हार्डवेयर यंत्रों की जटिलतावान यूजर तो छिपा लेंदा है उसनों डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है एक मैकेनिज्म या तरीका जो कंप्यूटर सिस्टम राही परिभाषित रिसोर्सा प्रोग्राम प्रोसैस या यूजर की पहुँच नियंत्रित करता है उसमें प्रोटैक्शन किया जाता है। अगर चौथा प्रश्न है साढ़े कंप्यूटर से अनधिकारित वरतों जांचना और रोकने की प्रक्रिया में कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। प्रश्न नंबर पांच लाइनक्स एक खास इंटरप्रेटर प्रोग्राम मुहैया करता है जिसकी वरतों ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांडा लागू करने में की जा सकती है जिसनों शैल किया जाता है। अगर साढ़े को छोटे उत्तर वाले प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम की होंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह यूजर अते कंप्यूटर हार्डवेयर विचकार इंटरफेस का काम करता है। यह कंप्यूटर विच हर तरह के सॉफ्टवेयर के लागू करने भी कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिना कंप्यूटर विच कोई काम करना संभव नहीं होंदा। डॉस विंडो यूनिक्स लाइनक्स आदि कुछ महत्वपूर्ण वरते जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां किस्मां लिखो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां कुछ महत्वपूर्ण किस्मां जिवें कि पहली है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पंजवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा प्रश्न है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की व्याख्या करो। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस विच इनपुट देन की प्रक्रिया ते जवाब देन लई जो समा लगता है वह बहुत छोटा हुंदा है। रियल टाइम सिस्टम की वरतों उस समय हुंदी है जदों डाटे दी फ्लो या प्रोसैस लई लगन वाला समा ना बदलन योग या फिक्सड होवे। चौथा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के की काम हुंदे हन, एक सूची बनाओ। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कामों विच पहला काम है प्रोग्रामां नूं लागू करना, दूसरा है इनपुट आउटपुट नाल संबंधित ऑपरेशनां नूं कंट्रोल करना, तीसरा है फाइल सिस्टम नाल संबंधित काम करने, चौथा है संचार करने नाल संबंधित काम करने,
ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਛੇਵਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਹੈਕਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਐਂਟੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਇਨੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਲਾਇਨੈਕਸ ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਨੈਕਸ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜਨ 0.11 ਜੋ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਨੈਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਐਕਸ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਾਇਨੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਯੂਨਿਕਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।